गुड मॉर्निंग क्लास 11th बेटा, चैप्टर नंबर 24 इन अकाउंटेंसी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर इज गोइंग ऑन. क्लियर? इन द लास्ट वीडियोस वी डिड द सॉफ्टवेयर यूज्ड इन द बिजनेस. ठीक है, वो हम कर चुके हैं. एंड नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, रोल ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, या कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं अकाउंटिंग में. तो बेटा, रोल क्या क्या है इन सॉफ्टवेयर पैकेजेस का? ये जो सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं. ठीक है, और इन कामों के लिए उनको यूज़ किया जाता है. जनरल लेजर, यानी ट्रांजैक्शंस को एक बार कंप्यूटर सिस्टम में फीड किया जाता है. बेटा, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जितनी भी वो इंफॉर्मेशन एक बार फीड करके उसके बाद ऑटोमेटिकली वो क्या है, जर्नल लेजर, यानी जर्नल एंट्रीज करते हैं, लेजर करते हैं, और डे टू डे अपडेशन जो है वो वहाँ पे चलती रहती है, ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता है वो सारा. नेक्स्ट है अकाउंट्स रिसीवेबल. बेटा, अकाउंट्स रिसीवेबल का मतलब है कि बिज़नेस को किससे कितना पैसा लेना है, यानी कौन कौन डेटर्स हैं, कौन कौन बीआर है बिज़नेस के, तो ये इजीली पता लग जाता है. और वो डेटर्स की लिस्ट भी अप टू डेट हमेशा रखता है ये सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट आता है, और टाइम टू टाइम जो रिमाइंडर सेट करना होता है ना डेटर्स से कि आपका इतना बकाया है, आप इसे कब पेमेंट करेंगे, तो वो भी हो जाता है. नेक्स्ट इज़ इन्वेंट्री कंट्रोल. इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब होता है बेटा एक तरीके से स्टॉक कंट्रोल, कि बिज़नेस में कितना स्टॉक है, कितना बचा हुआ है, कब ऑर्डर देना है. ठीक है, तो इन्वेंट्री कंट्रोल भी बहुत अच्छे से इस सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है अकाउंटिंग में. एंड नेक्स्ट इज़ पेरोल अकाउंटिंग. पेरोल अकाउंटिंग में वेज शीट तैयार करना, सैलरी शीट तैयार करना एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है, और वो ऑन टाइम पे करते हैं, ऐसे नहीं है बहुत डिले होती है. ठीक है, जब भी वेज शीट चाहिए होती है इन द एंड ऑफ द मंथ, तो वो इजीली प्रिपेयर हो जाती है. ठीक है, तो बेटा जैसे कंप्यूटर का हर फील्ड में जो यूजेस है वो बहुत बढ़ रहा है, तो सेम तरीके से बिजनेस में भी कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है डे टू डे के वर्क्स को. ठीक है, जहाँ हजारों 100 के करीब बंदे जो काम करते थे, उसे दो चार कंप्यूटर आसानी से कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से काम, और वो एरर फ्री होता है. कोई कुछ भी फाइंड आउट करना है, सपोज कोई डॉक्यूमेंट हमें ढूंढना है, तो वो फाइल्स में ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, जबकि कंप्यूटर सिस्टम में एकदम से सर्च करके उसे निकाला जा सकता है. क्लियर? सो बेटा, ये था हमारा चैप्टर नंबर 24 जो कि कंप्लीट हो गया है. आपको इसे अपनी नोटबुक में लिखना है और साथ में याद करना है. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू.